एक्सप्रेस न्यूज सच का साथी। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के द्वारा इस राष्ट्र की जो अपूर्णीय क्षति हुई है, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन पर अखिल भारतीय प्रधान संगठन बलरामपुर के द्वारा उनके राष्ट्रीय नेता और प्रदेश के नेता सब आकर के, चूँकि बलरामपुर वो धरती है जिस धरती से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का राजनीतिक सफर 1957 से शुरू हुआ था, आज हमारे प्रधान संगठन के लोगों ने आज बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करके ईश्वर से कामना की है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को ईश्वर अपने चरणों में ले और एक स्वर के साथ सब लोगों ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, इस नारे के साथ प्रधान संगठन के लोगों ने अपने अश्व पूरी किए थे से भावभीनी श्रद्धांजलि। माननीय हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न को श्रद्धांजलि दी गई, क्योंकि अखिल भारतीय प्रधान संगठन के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी बलरामपुर पर आकर श्रद्धांजलि दी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना राजनीतिक जीवन बलरामपुर से शुरू किया था और बलरामपुर की धरती से उनका अथक प्रेम था, इसलिए उनकी धरती पर आकर अखिल भारतीय प्रधान संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने हजारों प्रधान साथियों के साथ उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। संगठन द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रधान संगठन की तरफ से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। इसमें पूरे जनपद के ग्राम प्रधान और प्रदेश के कई पदाधिकारी इसमें शामिल हुए और एक स्वर से अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे के नारे लगाए, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ ईश्वर कामना करते हैं ईश्वर से कि उनको चरणों में लेकर के उनको जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं उनको हम लोग याद कर रहे हैं और उनकी कमी हमेशा हम लोगों के बीच बनी है। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ था जिसमें हम लोगों को सभी प्रधानों को आमंत्रित किया गया था, हम लोग सभी लोग आए थे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी क्योंकि पूरे दुनिया में बलरामपुर का उन्होंने नाम किया और बलरामपुर में राजनीतिक जीवन शुरू करते हुए उन्होंने ये दिखाया कि एक राजनीतिक व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, गांव के अदने से व्यक्ति को, गांव के सबसे अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति को उन्होंने उठाने का काम किया है। इस बलरामपुर की धरती पर उन्होंने एक एक गांव में जाकर के अलग जगाया है और बलरामपुर का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। ऐसे व्यक्तित्व को खोने के बाद हम लोग बहुत दुखी हैं और उनको अश्रुपूर्ण विदाई यहां से इस श्रद्धांजलि सभा के द्वारा किया है।